ब्रेक के बाद सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतीश कुमार के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतीश कुमार के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है और इस बैठक में लालू यादव के साथ शरद पवार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ वर्चुअली मीटिंग में तीनों नेताओं ने बात की है और ये खबर मिल रही है कि सीट शेयरिंग पर बड़े नेताओं के बीच में बात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर बात हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सियासी गलियारे से बिहार के, नीतीश कुमार, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग यहां पर माना जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से बातें कही जा रही थी कि सबसे अहम चुनौती है सीटों को बांटना आपस में, जिस तरीके से तमाम दल अपनी अपनी दावेदारी को यहां पर मजबूत बता रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, उसको देखते हुए ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सबसे बड़ी चुनौती है सीटों को बांटना, क्या उस चुनौती को समझते हुए ही इस तरह की मीटिंग हो रही है? देखिये राजेश, आज जो बैठक हुई है ये सुबह सुबह बैठक हो गई है, वर्चुअल बैठक की गई है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव और शरद पवार रहे हैं। और जो सीट शेयरिंग को लेकर के चौथी बैठक में, दिसंबर में जो चौथी बैठक हुई थी उसमें जो बातचीत हुई थी और जिसमें कहा गया था कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लिया जाए ताकि आगे आगे जो है रणनीति बनाई जा सके और जो कोऑर्डिनेशन कमिटी है उसको ठीक से काम करने का मौका मिल सके, इसको लेकर के आज वर्चुअल बैठक हुई है सुबह। और इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चारों नेताओं के बीच में गंभीर बातचीत हुई है और इसमें बंगाल से लेकर के जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिसमें 179 लोकसभा की सीटें हैं उन तमाम सीटों पर चर्चा हुई है, खास करके बिहार पर भी चर्चा हुई है क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं, बिहार से जुड़े हुए झारखंड के सीटों पर भी चर्चा हुई है और इन बाकी क्या फैसला हुआ है यह तो अभी निकल के सामने छन के नहीं आया है। लेकिन इस बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि अब ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब कोऑर्डिनेशन कमिटी के कन्वेनर का पद भी मिल सकता है, जिसकी चर्चा लगातार पिछले 3 दिनों से चल रही थी। तो ये आप कह सकते हैं कि आज की बैठक में लगभग सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझा लिया गया है और एक आध दो दिन में इस पर फैसला भी अब सामने आ जाएगा। राजेश बिल्कुल, प्रशांत जी ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में शरद पवार भी मौजूद थे, यानी कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों को लेकर भी बात हुई है। बिल्कुल राजेश, इसमें चार नेता जो मौजूद थे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शरद पवार जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लालू यादव ये आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये चारों नेताओं के बीच में ये वर्चुअल बैठक हुई है और इस बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं जो लगातार ये कहा जा रहा था कि इंडी गठबंधन के भीतर में अंतर कलह बहुत है उन तमाम चीजों को लेकर के ये बैठक हुई है, लेकिन अहम मुद्दा इसमें सीट शेयरिंग का ही रहा है। बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर पटना से है जहां आरजेडी विधायक